बिहार के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के अलावे पाटलिपुत्र आरा रेलवे स्टेशन बक्सर हाजीपुर होते हुए रेलवे ने एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चलेगी, क्या रहेगा टाइमिंग और कब तक चलाई जाएगी, जानेंगे इस वीडियो अपडेट में। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रक्सौल व सिकंदराबाद के बीच ट्रेन नंबर 07007 और 07008 के साथ एक नई ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेन सिकंदराबाद से रक्सौल के बीच प्रत्येक बुधवार को सिकंदराबाद से दोपहर 3:15 पर खुलेगी और शुक्रवार को रात 1:20 पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन आएगी। इसके बाद यहां से यह ट्रेन खुलने के बाद सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन 3:20 पर, उसके बाद फिर यहां से जब ट्रेन खुलेगी तो सुबह में 5:55 पर रक्सौल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार दूसरे दिशा में यह ट्रेन 07008 के साथ 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से शाम 7:15 पर खुलेगी और रात 10:45 पर मुजफ्फरपुर होते हुए रविवार को सुबह में यह ट्रेन 10 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन के स्लीपर कोच से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको स्लीपर कोच का सुविधा मिलेगा। इसके अलावे अन्य श्रेणी में शामिल जनरल कोच और SLR की भी सुविधा दी गई है। जनरल क्लास के 18 कोच उपलब्ध रहेंगे और स्लीपर के 4 कोच लगाए गए हैं। कुल मिलाकर SLR सहित इस ट्रेन में 24 कोच का कंपोजिशन रहने वाला है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाली नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।